नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज खबर कटिहार से है। देश भर में प्याज पॉलिटिक्स के बीच कुछ सच्चाई ऐसी भी आ रही है जिसे शायद प्रशासनिक स्तर पर अगर ठीक से जिम्मेदारी निभाई जाए तो रुलाता प्याज कुछ हद तक राहत पहुंचा सकता है। बात प्याज के कालाबाजारी की है। कटिहार में न्यू मार्केट की थोक मंडी में प्याज 40 से 60 रुपए दर पर आसानी से उपलब्ध है, मगर बाजार में बैठे थोक और खुदरा विक्रेता कई बहाने बनाकर आज भी 80 से 100 रुपए से भी ज़्यादा दर पर प्याज बेच रहे हैं, जिसे लोग आज भी खरीदने को मजबूर हैं। बाजारों में थोक विक्रेता के पास बड़े और छोटे दो तरह के प्याज हैं, जिसकी अलग अलग कीमतें होती हैं। यहां मंडी में पहुंचे लोगों को मंडी में बैठे कुछ विक्रेता प्याज की बढ़ी कीमतों और सरकार की दुहाई देकर प्याज की बाजारी में कमी का हवाला देते हुए प्याज ऊंचा है। प्याज बाजार की स्थिति आने वाला साल में हमको अंदाजा बाजार घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। अभी कितना चल रहा है रेट? अभी 65 से 80 रुपये चल रहा है होलसेल पे। पहले कितना बेच लेते थे? पहले बेचते थे 50 बोरा 60 बोरा बिकता था, अभी 10 बोरा 15 बोरा 20 बोरा ही बिकता है। साइज के हिसाब से अंतर होता है? हाँ हाँ, साइज के हिसाब से। इस माल इंदौर का है। आज तो हम 80 रुपया लिए हैं, 90 का रेट है तो प्याज तो पैसा का बजट कम है तो इसीलिए 80 रुपया वाला लिए, तो उस पर भी गाच नज़र आ रहा है तो क्या करें, खाना होगा मजबूरी में। पहले कितना प्याज लेते? पहले तो 2 केजी ले जाते थे, सब्जी खाते थे प्याजों का, अभी तो देने के लिए भी नहीं ले पा रहे हैं। में इसका रेट डाउन हुआ है? नहीं, ये तो मालूम नहीं है।